अनफॉर्चुनेटली मुझे हर महफिल में ये कहना पड़ता है कि एक तो हमारे पास जो है वो वसाइल की कमी है, फिर जो सबसे बड़ा हर्डल हमें फेस होता है वो शऊर की कमी से होता है। यानी कचरा उठा के जो है वो नालियों में फेंक देना, कचरा उठा के गलियों में फेंक देना, कचरा उठा के सड़क पे फेंक देना, पढ़े लिखे लोग जो है वो इसमें इशू। लास्ट टाइम मैंने पिछले साल से बहुत काम किया, पश्चिम आवाज से लेकर सरिया तक मशीनरी की कमी भी थी, फिर वो ख़त्म भी हो गई थी कि जैसे कि सोशल मीडिया हमारा बहुत एक्टिव हो गया था, हम लोगों ने काफ़ी वहाँ उससे का इजहार भी किया था। इसमें एक प्रॉब्लम है आपकी सफाई के निज़ाम से, सॉरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वो करेंगे आप लोग डिपार्टमेंट के हवाले से, किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट? एमसीक्यू है। हाँ, एमसीक्यू के अंदर तो ये लोकल गवर्नमेंट क्या असल में इनकी जो पोस्टें हैं आपने जिनको नौकरियां दी हैं वो ऐसे लोगों को मिली हैं कि वो सफाई नहीं कर सकते, इसलिए कि सफाई जो होती है अक्सर नालों की सड़कों की सफाई एज अ आपको पता है कि इसमें चीज़ रखा जाता है कि मुस्लिम नहीं कर सकता है, नॉन मुस्लिम कर सकता है ना, तो जो पोस्टें अक्सर जो पोस्ट पर लोग आए हैं, अगर मैं पश्चिमाबाद में मैंने सबको इकट्ठा किया आपके डिपार्टमेंट को पहले अपनी खामियां चीजें दूर करनी, आप लोगों ने जिन लोगों को पोस्टें दी हैं वो सफाई वाले नहीं हैं, वो सफाई नहीं कर सकते, तो असल में चीज जब जिनका काम है वो तो कर ही नहीं रहा और जिनका काम है नहीं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारी आवाम हमारी औरतें हमारे बच्चे एक एक हद तक कचरा अपने घर के बाहर ही रख सकते हैं, ये बहुत छोटी बात भी नहीं है और बहुत बड़ी बात भी है। घर के बाहर क्यों रखेगा? उससे कि उसके पास सहूलत नहीं है ले जाने की, हम प्राइवेट सेक्टर्स को ठेका नहीं दे सकते हैं ना, तो ये जिनका है तो मसला ये है कि मसाइल आपकी तरफ से थोड़े हल होंगे, ये मेरा एक पॉइंट है, आप ज़रूर नोट कीजिएगा और इंशाल्लाह इस पर आगे जाकर, अभी तो हमारे अपने वो चीज़ें चल, जो पोस्टें हैं वो गलत लोगों को मिली है, आपके पश्चिमाबाद में जितने भी लोग हैं, आपने पश्चिमाबाद गोल मंडी आपके सरिया में जितने लोगों को आपने पोस्टें दी वो है मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम कभी भी नाले को हाथ नहीं लगाता है, हमने बुलाया खुद घरों से निकाला एक एक का नाम मुझे पता है, फिर जाके आपके एडमिनिस्ट्री ने जाके मशीनरी एक दिन में निकल के आई और वो सफाई हुई, ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा। क्वेटा, मैं क्वेटा का हूँ, मतलब पाकिस्तान मेरी डोमेन में नहीं आता, मैं थोड़ा सा इस पे अगर मैडम थोड़ा सा मुझे नहीं कोई इशू नहीं, मैं आपके सब मैं शुरू ही आपके पॉइंट को एड्रेस करने से करता हूँ। देखिए ये किस किताब में लिखा है कि जी मुसलमान सफाई नहीं कर सकता? देखिए वो नहीं देखिए ये एक बहुत बड़ी ये एक नहीं नहीं देखिए ये काम ना करने वाले मुसलमान भी हैं, काम ना करने वाले क्रिश्चियंस भी हैं, काम ना करने वाले हिंदू भी हैं, वो इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ये कहना कि जी मुसलमान को जो है सफाई से, मुसलमान कहता है जी मैं इसको हाथ नहीं, क्यों नहीं लगाओगे भाई आपके लिए कहाँ से जो है ये, क्या नाली साफ करना बस एक ही कम्युनिटी की जिम्मेदारी है? हमने हमेशा उनसे नालियाँ साफ करवानी? कतई नहीं। वो कम्युनिटी अब पढ़ लिख गई है, पढ़ रही है, उसके लोग आ रहे हैं आगे, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो अब अगर नहीं ये काम करना चाहते तो आप क्यों किसी को कल अगर ये ईसाई कम्युनिटी हमारे जो है मुआशरे का 0.5% भी नहीं, कल ये कम्युनिटी पढ़ लिख गई और अच्छे ओहदों पे आ गई, अगर ये मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो गए तो आपने ज़बरदस्ती उनको झाड़ू देना है, एक नाली साफ करानी है उनसे? जी नहीं, ये अगर नहीं होंगे तब फिर हमारी नालियाँ कौन साफ करेगा? खुद करेंगे बिल्कुल, ऐसे ही है ये, किसी इसको किसी कम्युनिटी के साथ नथी करना बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब नहीं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपके इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि इस वक्त भी जो सफाई का मेरे पास अमला है वो 85% जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, 85% लोग जो इस जहाँ पे भी नालियाँ साफ़ हो रही, मैं इला माशाल्लाह में जैसे मैंने आपको कहा काम ना करने वाला चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी कम्युनिटी, वो काम ना करने वाला तो काम ना करने वाला है, उसको किसी रिलीजन के साथ एफिलिएट नहीं किया जा सकता। जो काम करने वाले हैं इस वक्त भी 85% आपको
क्या लगता है, ये शहर अगर दो दिन जो है ये अमला काम ना करे, इन नालियों को ठीक से साफ ना करे, आई एग्री कि हालात काबिले रश्क नहीं है, लेकिन हम रात को 3 बजे काम कर रहे होते हैं जब आप लोग सो रहे होते हैं, आप लोग को अंदाज़ा नहीं होता कि अगले दिन जब आप लोग आते हैं तो आपको शायद सिस्टम ऐसे रूटीन में दिखाई देता है। ये दो दिन जो है, एक दफ़ा इन्होंने हड़ताल की थी, ये शहर घूमने जैसा नहीं था, सिर्फ दो दिन अगर ये काम ना करे। आपके इल्म में हो कि डेली कोई 2000 टन कचरा यहाँ पे जनरेट होता है, ये कहाँ जाता है?